होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, इसलिए हमारी जो वैल्यू है 6। बी जो होता है वो एस का कोएफिशिएंट होता है, एस का कोएफिशिएंट है 7, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 7। सी जो होता है कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, और देखिए माइनस 3 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए माइनस। अब एंड सी अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 आ जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आ जाए, तो वो नंबर है 9 और 2। 9 पे प्लस लगाएंगे, 2 पे माइनस, इस 7 के साथ एक्स लगाए, इसलिए इन दोनों नंबर के साथ ही एक्स लग जाएगा। अब इन दोनों नंबर को इस प्लस 7x की जगह पुट करेंगे, राइट पुट करते हैं, माइनस 3 अपॉन 2।